लास्ट टाइम देवर 3-4 सजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पीपल, तो मैंने उसको कोशिश किया कि उसके हिसाब से बुक लें। आई रेड अ स्पीच इन वैनकूवर कनाडा, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ अफगानीज मूव राइट। दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन अफगानीज की कनाडा में हो रही है, फ्रॉम पाकिस्तान, टर्की, ऑल अदर प्लेसेस। सो इफ यू वुड सी दैट स्पीच, एंड इनफैक्ट वी कैन इवन टॉक अबाउट दैट स्पीच टुडे, बहुत अच्छा टॉपिक है। कोलैबोरेशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का आज का मतलब मटीरियल गेन नहीं है, बल्कि कौन बताएगा क्या है। एंड वी हैव थॉट अबाउट इट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। कौन बताना चाहेगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की डेफिनेशन दुनिया क्या दे रही है, कि तीन चीजें थी। वन वाज फुलफिलिंग योर नीड्स, मटेरियल नीड्स जो जो हैं जिंदगी में, बेसिक नीड्स वो पूरी होनी चाहिए, देर इज नो क्वेश्चंस अबाउट दैट, बट इमोशनल नीड्स पूरी होनी चाहिए। नाउ इंसान की इमोशनल नीड्स क्या है, कि उसे कोई सुनने वाला हो और वो किसी को सुनाने वाला हो राइट। बोलने चालने के लिए लोग चाहिए, सो यू शुड हैव फ्रेंड्स अराउंड यू। एंड उसमें एक ऑथर ने बहुत अच्छी बात की थी, इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स देन बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, कभी भी आपको धोखा नहीं देती, यू नो, हमेशा आपको अपलिफ्ट ही करेंगी, डीमोरलाइज नहीं करेंगे। उल्टा, इफ देर आर रॉन्ग फ्रेंड्स और फॉल्सिफाइंग फ्रेंड्स, वो आपको फिर भी आपके कोई मुश्किल टाइम पे हो सकता है और आपको डीमोरलाइज कर दे, ओ ऐसा तुम्हारे साथ हुआ, हमेशा हो जाता है तुम्हारे साथ, यू नो। बट बुक्स व्हेन यू रीड दे विल ऑलवेज, तो समटाइम्स होता क्या है, अगर हम बुक को बुक बोले ना, तो दैट लुक्स वेरी ओल्ड स्कूलिश, यू नो, कि बुक्स का टाइम किसके पास है, टू बी ऑनेस्ट राइट, आज के जमाने के अंदर। लेकिन हमें समझ आता है कि लेट मी नो इफ यू कैन सी माई बोर्ड, कैन आई हैव थम्स अप। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की तो उसमें तीन चीजें थी, मटेरियल गेन्स की बात की थी और सेटिस्फैक्शन, नॉट फॉर बीइंग ब्रांडेड। हम लोग जो भागते रहते हैं ना, वो भागते रहते हैं ब्रांडिंग के पीछे, बिगर हाउस, बिगर कार्स, बिगर, ताकि लोग हमें देखें, लोग हमें देखे बोले वाह, ये होता है लाइफस्टाइल, यू नो, उसके पीछे हमारी जिंदगी खर्च हो जाती है। सेकेंड थिंग वॉज टेकिंग केयर ऑफ इमोशनल नीड्स। अब आपको ये समझना है कि आपकी इमोशनल नीड्स क्या है, यू नो। और तीसरी चीज है सेल्फ फुलफिलिंग। सेल्फ फुलफिलिंग का मतलब था कि आप खुद दूसरों के लिए क्या कर रहे हो, यू आर हेयर इन दिस यूनिवर्स एब्जॉर्बिंग ऑल द एनर्जीज, ऑल द ऑक्सीजन। आपने इतना ऑक्सीजन दुनिया से ले लिया कि आपने दुनिया को वापस ऑक्सीजन दिया, हाउ मेनी प्लांट्स और ट्रीज हैव यू प्लॉटेड राइट, एक सवाल होता है राइट। दुनिया को हम एज अ कंज्यूमर यूज ही किए जा रहे हैं, ऊपर वाली नेमतों को यूज किए जा रहे हैं, लेकिन इतना साइंस आज हमको पता है कि ऑक्सीजन जितना हम लेके जा रहे हैं उतना तो हम नहीं दे सकते वापस, एटलीस्ट ट्रीज तो प्लांट कर सकते हैं, जितने साल की हमारी उम्र है उतने ट्रीज तो दुनिया में प्लांट कर ही सकते हैं, हर साल का एक ट्री, यस और नो, तो लिख लो अपने पास। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड फूड फॉर थॉट। दिस माइट लुक वेरी स्मॉल फॉर यू, बट आज दुनिया इसके ऊपर जा रही है, आपको पता है। स्टडी अबाउट कार्बन क्रेडिट्स, स्टडी अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ओजोन प्रॉब्लम्स, दुनिया इसके बारे में बात करिए। AKDN has done lot of projects, पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, 1 बिलियन ट्रीज प्लांट कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज लैंडस्लाइडिंग्स हो रही है, सैलाब आ रहे हैं, बर्फ के तूफान आ रहे हैं, जापान में आया, फिलिपीन में आया, आप देखो सब ट्रीज लगा रहे हैं, घरों से निकल के ट्रीज लगा रहे हैं। हमें अब तक वो नौबत नहीं आई है नॉर्थ अमेरिकन साइड पे, बट यू नो ग्लोबली कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग। सो एटलीस्ट वन थिंग वी कैन डू फॉर द फिजियोलॉजिकल नीड इज प्लांट ट्रीज, ठीक है, दिस इज ऑल्सो लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ है। सो वो ये कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है सेल्फ फुलफिलिंग। सेल्फ फुलफिलिंग का मतलब होता है कि आप, एक बहुत अच्छा कोट है, द हैप्पीएस्ट इज द वन हु हैज स्टार्टेड गिविंग, बोलते हैं खुश नसीब वो इंसान है जिसने देना शुरू कर दिया है। अब आप सोचो अपनी जिंदगी में कि आपने कितना लिया है दुनिया से और कितना दिया है, ठीक है। सो लेने देने का अगर अपन बैलेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमने किस किस चीज में डील किया है आज से अभी तक, हमने एजुकेशन लिया है राइट, हमने पैसे कमाए हैं राइट, हमने हेल्प की है, ओके हेल्प मी फुलफिल दिस थिंग, लेट्स टॉक अबाउट इट। शौकत भाई ऐड करते जाओ लिस्ट में, एंड यू ऑल स्टार्ट चैटिंग एज वेल। हमने क्या क्या चीजें दुनिया से ली और दिए कि वो टेक की हम बात करते हैं, तो मनी हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है, और क्या है, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, और क्लोथिंग हो गया, हमने जो कपड़े पहनना शुरू किए हैं बचपन से अभी तक पहन रहे हैं। हाउ हैज दिस बीन डेवलप्ड, कभी किसी ने सोचा है, दिस इज डेवलप्ड बाय डिफरेंट एनिमल्स,
उन्होंने मेहनत की, तब जाके सिल्क बना, तब जाके कॉटन बना, यान बना, हमने पकड़ा, पहन लिया जाके, राइट? एंड यू फेल, वी हैव पेड फॉर इट, वी हैव पेड ऑन अ ह्यूमनिस्टिक टर्म, बट दुनिया में जिन्होंने ये बनाया क्लोथ, उसको तो हम थैंक बैक नहीं कर सक रहे हैं। और याद रखो, दुनिया में सुपर कंप्यूटर जो है ना खुदा का, उसमें फॉर्मूला बड़ा क्लियर है, यू नो, प्लस शुड बी इक्वल्स टू माइनस। प्लस का मतलब है अच्छे काम, माइनस का मतलब है बुरे काम। तो प्लसेस बिल्कुल ज्यादा होंगे, फ्लाइट आ गई, निकलना पड़ गया दुनिया से, तो ऊपर जाके प्लस की जगह में जाओगे। माइनसेस ज्यादा हुए तो माइनस की जगह में जाओगे, राइट? नॉलेज सोसाइटीज में इमाम वेरी थॉरली स्पीक्स अबाउट के नॉलेज देने वाले बनो, राइट? हम अभी तक नॉलेज यूज करें, हमको नहीं पता हमारे घर में एलेक्सा लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, राइट? किसी ने मेहनत की दिन रात, तब जाके वो बनाया। एडिसन 999 टाइम्स फेल हुआ, तब जाके लाइट बनाया। आज हम लाइट यूज कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं किसने मेहनत की थी इसके पीछे। गुड, जबरदस्त सरोज। और क्या चीज है जो हम डे टू डे सोचते नहीं है, बट आज सोच रहे हैं तो बात करते हैं। हमारा दुनिया में जो सबसे बड़ा स्ट्रेस स्ट्रेस निकलता है, वो ग्रीनरी दे के निकलता है, वो सीनरीज दे के निकलता है, जो खुदा ने कुदरत बनाई, वो ब्यूटी अराउंड अस दे के निकलता है, राइट? तो आप देखो, आप कोई ऐसी पोल्यूटेड जगह पे चले जाओ जहाँ ट्रीज ही नहीं है, यू विल स्टार्ट फीलिंग सफोकेटेड, मिट्टी, धुआं, यू नो, यू मूव बैक टू कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज जाओ, आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगी, आपको ऐसा घुटन होगा, आपको समझ नहीं आएगा, बट आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, बिकॉज ये भी एक ब्लेसिंग है जो कि आपकी आईज को चाहिए, राइट? तो दिस इज वन ऑफ इट। और बोलो, और बोलो, अशरफ रतानी। सो ह्यूमंस में एक चीज नॉलेज आ गई, अगर हम आज की बात करें सेशन की तो, राइट? और हम एक दूसरे के नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और उससे हमें भी नॉलेज मिल रही है। मैं भी जब घर जाता हूँ तो मेरी नॉलेज लेवल बढ़ जाता है। अपने पेरेंट्स को कैसे यूज किया, उनकी उनकी केयर यूज की, उनका अटेंशन लिया हमने, उनका टाइम लिया, तो बेसिकली टाइम एंड नॉलेज आ गया। तो समझ आया आज जो हम वर्ड बोलते हैं टाइम एंड नॉलेज, उसका कितना डीप मीनिंग हो गया। बाप रे, यू नो, वी ऑलवेज थॉट अबाउट ये पेरेंट्स हैव गिवन, यू नो, अभी शना शी इज ड्रॉपिंग ऑफ समवन, यू नो, बट टाइम दे रही है, राइट? दैट्स अ टाइम, राइट? एंड नॉलेज ले रही है, सो गाड़ी चला रही है, ड्राइव कर रही है, ड्रॉपिंग ऑफ समबडी, टाइम दे रही है, इनको नॉलेज एब्जॉर्ब कर रही है, तो हमारी लाइफ टाइम एंड नॉलेज के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हमको समझ आया, अरे ये तो सेवा देने की बात हो रही है, सेवा नहीं है, ह्यूमन की लाइफ ही टाइम एंड नॉलेज में इवॉल्व हो रही है, आप ध्यान दो, राइट? और क्या करते हैं, गुड, लेट्स क्लैप फॉर नूरजान। क्या थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में? I'm sorry, बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं, मैं कुछ किया। अब थिंक अबाउट इट, पेरेंट्स ने, या जो अशरफ ने कहा रिलीजियस, किसी ने हमें REC में रिलीजन सिखाया, आज REC में आप या आपके बच्चे रिलीजन सिखाते हैं या पढ़ते हैं, यू नो, सो समबडी इज गिविंग द टाइम एंड समबडी इज गिविंग द नॉलेज, वही आ गया ना, टाइम एंड नॉलेज, राइट? तो मैं एक्सपीरियंस हटा रहा हूँ। जी सरोज, यू माइट नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ। और क्या चीज है, गुड, अगर सनलाइट खत्म हो जाए तो लाइफ खत्म हो जाए, राइट? बहुत सारे प्लेनेट पे लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि पानी, पानी भूल गए हम लोग, वाटर एंड सनलाइट, राइट? वाटर नहीं है और सनलाइट नहीं है, ठीक है? तो हम लोग बेसिक, आई थिंक इसी का हम थैंकफुलनेस करना शुरू कर देना, अगर इसकी आप फोटो ले लो, आई थिंक जो बहुत सारे लोग लेते हैं, विच इज गुड, इसलिए हम ये बाइक बोर्ड बना रहे हैं, एक्सेलेंट। सो आई थिंक ये हमें पता चल जाएगा, कभी हम डिप्रेशन में चला जाए, वो ऊपर वाले तो दिया नहीं, या किसी का घर बड़ा हो जाए, या किसी की गाड़ी बड़ी हो जाए, या किसी के ज्यादा पैसे की जॉब का हम सुन ले, पर हम बोले बाप रे मैं तो ये बना रहा हूँ, वो तो ये बना रहा है, राइट? तो हम ये लिस्ट निकाल के अपनी ग्रेटिफिकेशन लिस्ट पे जा सकते हैं, लेट्स कॉल इट ग्रेटिफिकेशन लिस्ट, राइट? के थिंग्स टू बी थैंकफुल अबाउट। ओके शरीफा ख्वाजा, कुछ ऐड करना है इसमें? आई नो एंड में जिसकी टर्न आती है उसके लिए, ने बहुत अच्छा बोला, हमको पता नहीं है कितना इंटेंसिव लेबर इन्वॉल्व होता है अनाज को उगाने में, वो फैमिलीज या जो उनका पास में ताल्लुक रहा है एग्रीकल्चर से, या मुझे पता है कुछ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के, बाप रे दे डू सच ए हार्ड वर्क, और वो प्रोजेक्ट्स US में पॉसिबल नहीं थे, दुबई में पॉसिबल नहीं थे, वो हमने पाकिस्तान में जाके डाले, बिकॉज वहाँ लेबर इज इकोनॉमिकल, बट एक एक एकड़ पे 10 10 20 20 लोग काम करते हैं धूप के अंदर, 104 डिग्री के अंदर, एंड देन दे ग्रो दैट राइस एंड वीट। US के अंदर क्यों अनाज इम्पोर्ट होता है, बिकॉज लेबर इज सो एक्सपेंसिव, $40-50 का आप लेबर रखोगे ना, तो आपके राइस की जो 5 kg की कॉस्ट $50 ना, वो $500 पे चले जाएगी, राइट? सो दैट्स नॉट डूएबल। थैंक यू वेरी मच मलिक मिठा, आपने बहुत बड़ी बात कर दी, गुड, लेट्स क्लैप फॉर हर। कोई और चीज, शनाज, यू वॉन्ट टू फोन अ फ्रेंड एंड वॉन्ट टू गेट सजेशन फ्रॉम द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, क्या दिमाग में आ रहा है?
पीपल हु लिव इन अलाबामा एंड ऑल दोस प्लेसेस वर्जीनिया, उनके लिए लाइफ मुश्किल हो जाती है राइट। शिकागोज ही ले लो, सुबह उठ के शावल से आपको वो निकालना है, बर्फ निकालना है, इट गेट्स डिफिकल्ट राइट। उन जगह के चित्राल ले लो, कश्मीर ले लो, यू नो गुड। आई थिंक राइट वेदर इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग, कि आपकी जिंदगी आसान हो जाती है अगर आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आप रह रहे हो, बिकॉज बॉडी टेम्परेचर इज वॉट यू कॉल्ड रूम टेम्परेचर राइट। अगर आपका इर्द गिर्द का क्लाइमेट रूम टेम्परेचर है तो आपकी जिंदगी में उतनी मुश्किल नहीं होती जितना इफ यू लिव इन -डिग्रीज, और यू नो बहुत ज्यादा गर्मी भी अफ्रीका में चले जाओ तो हालत खराब है लोगों की राइट। गुड, तो अब हम आ जाते हैं, ये लिस्ट हो गई हमारी कंजम्पशन की ठीक है। अभी हम आ जाते हैं कि ये हमने जिंदगी में दुनिया से लिया है, अब हम जब ऊपर जाएंगे, हमारा जब भी टिकट या वीजा बुक हो जाएगा और जब आ जाएगा लेने के लिए और ऊपर जाएंगे और बोलेंगे अकाउंट चेक कराओ, क्रेडिट डेबिट माइनस बैलेंस है कि नहीं है, बोलेंगे भाई क्रेडिट तो बहुत है, लोन तो बहुत सारा लिया है, बट डिपॉजिट अकाउंट खाली पड़ा है, खींचे में कुछ भी नहीं है, तो अभी क्या करेंगे। तो वो बोलेगा एक काम करो कंप्यूटर निकालो, ऊपर तो अच्छी टेक्नोलॉजी होगी ना, यहाँ 5G है, वहां हो सकता है 10-20G हो, ऑलरेडी सारा बैलेंस बना हुआ हो राइट। तो बोलेंगे भाई तुमने एजुकेशन ली ठीक है, किस किसने दी, उन सबकी जूम की तरह रिकॉर्ड आ गए नजर, 513 लोगों ने तुम्हें एजुकेट किया दुनिया में, तुमने कितनों को एजुकेट किया। तुम बोलोगे हाँ ये बाप रे तो मसला हो गया, 512, 212, 5000 लोगों ने मुझे एजुकेट किया बचपन से लेके 55 तक, मैंने कितनों को किया जो ना। तो बोलेंगे तुमने यहाँ 512 लोगों से कंजम्पशन ली बट तुमने एजुकेट खाली 3 को किया, तो तुम्हारा अकाउंट है -400 एंड समथिंग समथिंग ठीक है। तो अब तुम एक काम करो वापस नीचे जाओ और जाके 411 लोगों को एजुकेशन दो, फिर ऊपर आना, फिर अकाउंट बैलेंस होगा, फिर बात करेंगे, अभी टाइम खराब नहीं करो राइट। तो तुम पहले कंजम्पशन के टेस्ट में फेल हो गए, ये मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता सिस्टम्स कैसे बने ऊपर वाले के, बट बैंकिंग सिस्टम तो भाई ऐसे ही चलते हैं ना, क्रेडिट डेबिट्स होता है राइट। क्या कहते हो आप लोग, बात समझ आ रही है, डज इट मेक सेंस, यस और नो। शौकत भाई हंस रहे हैं, शौकत भाई क्या आ रहा है दिमाग में बताओ। क्योंकि ये अकाउंटिंग का रूल है कि वो डेबिट और क्रेडिट जो है वो दोनों जो है वो चलता रहता है। अगर आपका डेबिट के अंदर ज्यादा होगा तो जो है मामला हल नहीं होगा उसके अंदर। सपोज आपके पास लोन इतनी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, हाउ कैन यू मेक पेमेंट फॉर दिस वन, इसको हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पेमेंट का ये तरीका है कि हम किस तरह से ये सर्व करके या नेगोशिएट करके या बातचीत करके या उनको जैसे हम उगा करके या प्लांट को कोई सी चीज करके जो हम उसका जो कर्जा जो है वो उतार सकते हैं। एग्जैक्टली तो आई थिंक, और जो बहुत बड़े बड़े माहिर गए ना दुनिया में, लेट्स क्लैप फॉर शौकत भाई, उन्होंने शौकत भाई वाली बात बोली। आइंस्टाइन का नाम सबने सुना है, स्टीफन हॉकिंग का नाम सबने सुना है, आइंस्टाइन कह के गया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दुनिया में जो जो लिया है देना पड़ेगा, लिख लो राइट। ऑक्सीजन जितनी ली है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, जितना फूड लिया है उतना वेस्ट क्रिएट करोगे, जितना पैसा बनाया है उतना खर्च करना पड़ेगा, जितना कंजम्पशन किया है उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो अगर दुनिया के साइंसदान, दुनिया के सारे रिलीजन सब बैलेंस की बात करते हैं और हम दुनिया में कंजम्पशन 90% कर रहे हैं बट प्रोडक्शन 10%, अब हमें समझ आ रहा है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का मतलब आसान जबान में क्या है। जिंदगी में हमें हजार उस्तादों ने पढ़ाया, पेरेंट्स पहले उस्ताद थे, यू नो दे वर द फर्स्ट गुरु, उसके बाद हमारे दादा दादी हुए, बच्चे हुए, चाचा चाची जो भी हुए ठीक है, ट्यूशन टीचर्स हुए, REC टीचर्स हुए, स्कूल टीचर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आज हमारे लोग जो हमारे बिजनेस में हेल्प करते हैं, मेंटोर्स, उन सब से हमने कंज्यूम कर लिया। अब हम कितना लोगों के लिए फायदेमंद रहे ठीक है, हो सकता है आप भी दादा दादी बने, आपने ज्यादा टाइम दिया आपके दादा दादी से या कम दिया, हो सकता है कम दिया, हो सकता है ज्यादा दिया, आप जीत गए यू नो। आपने बींग अ पेरेंट्स, बींग बच्चे, जितना अपने माँ बाप का खून चूसा आसान जबान में, क्या आपने उतना खून दिया यू नो, सो दैट्स वेयर यू विन और लूज। सो प्रोडक्शन और कंजम्पशन, नाउ मेनी पीपल लाफिंग बिकॉज वी आर टॉकिंग इन अ ह्यूमरिस्टिक वे, बट बहुत आसान जबान है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जितना लिया है दुनिया में लोगों से उससे ज्यादा देना है तो लाइफ बैलेंस प्लस में रहेगी, और शायद जो जन्नत दोजख है ना वो प्लस और माइनस का ही नाम है, यस और नो राइट।
अकाउंट्स प्लस होंगे तो प्लस में जाओगे, माइनस में होगे तो माइनस में जाओगे। तो अगर शायद आप लोगों को अपना हिसाब करना पड़े, और हो सकता है ऊपर आप जाओ और ऊपर जाने के बाद हम लोग ऊपर लाइट चली जाए, खुदा बोला अरे लाइट तो चली गई, अभी कंप्यूटर नहीं चलेगा, अभी एक काम कर 1000 साल बैठे रहे ऊपर, उसके बाद लाइट आएगी, राइट? ऐसा ऊपर तो सिस्टम है नहीं, यूपीएस वगैरह सब होंगे ऊपर, राइट? लेकिन अपने को बोले कि खुद अपना हिसाब कर लो, अपन क्या बोलेंगे? नहीं, हमको तो पता ही नहीं है, राइट? तो चलो अपना हिसाब करते, टेक आउट द पेपर्स एंड पेन्स, थोड़ा सा तफरी करता, राइट? कितने लोगों के पास पेपर्स एंड पेन्स हैं? ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है, याद भी नहीं आएगा इतना कुछ तो, लेकिन एक दिल की बात सुन के बताओ कि एजुकेशन हमने लोगों से ज्यादा ली है या लोगों को ज्यादा दी है? खाली अपने आप को ग्रेट करता, ठीक है? और ग्रेड करने का मतलब है कि अगर प्लस में ग्रेड आ रहा है ना, समझो कि आपने बोला कि नहीं यार 100 लोगों ने मुझे पढ़ाया तो मैंने 80 को तो पढ़ा दिया होगा, तो -20 में जा रहा है, तो लिख दो -20 पे हो, ठीक है? लेकिन आपको लगे नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा से टीचिंग में रहा हूँ या हमेशा अच्छे काम में रहा हूँ, लोगों को सिखाया, जब भी किसी ने फोन किया मदद की पीछे नहीं हटा, आप बोलो नहीं मैं +10 में तो होऊंगा, तो लिख दो +10, ये आपकी सेल्फ इवेल्युएशन है, ठीक है? समझो ऊपर वाला आपको बोलता है काम करो, अपने आप को ग्रेट कर लो, आई ट्रस्ट यू, यू नो, एंड हो सकता है वो चेक कर रहा है, यू नो, कि ग्रेड कैसे करते हैं, ग्रेड में भी तो फ्रॉड नहीं कर रहे हैं हम लोग, यू नो, सो लेट्स सेल्फ ग्रेड आवरसेल्व्स, ठीक है? तो अपने आप को एजुकेशन में ग्रेट करो, और चैट पे लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। पीपल आर एंजॉयिंग, राइट? ग्रेड्स लिख रहे हैं लोग चैट पर, अलग अलग चीजें, गुड। सारे जो पीछे बच्चे बैठे हुए ना सीनियर्स के, बहुत खुश हो रहे होंगे, हाँ हमने आपने हमारे सीनियर्स को आज सही से पकड़ा है, यू नो, ये हमारी क्लास लेते रहते हैं, आज आप इनकी क्लास ले रहे हो, हम सबकी क्लास ले रहे हैं, वी आर इवेल्युएटिंग अवर सेल्स, क्योंकि एम्पावरमेंट का असली मकसद ये है कि अपने आप को एम्पावर करना, दूसरों को तो एम्पावरमेंट खुद ही हो जाएगी, यू नो। प्रॉफिट मोहम्मद की स्ट्रेटेजी क्या थी? दुनिया बदलनी है, करना शुरू कर दो, खुद सीखना शुरू कर देंगे लोग, राइट? बोलते रहोगे तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लोग बोलेंगे यार बात सुनाते रहते हैं, टाइम नहीं, करना शुरू कर दो, ठीक है? दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एज अ सीनियर। तो कोई बोलेगा अरे मेरी मम्मी या मेरी दादी या मेरी, यू नो, मदर इन लॉ हमेशा अच्छी बातें बोलती हैं, या बोले नहीं यार मेरी मदर इन लॉ हमेशा अच्छी काम करती हैं, किसमें ज्यादा दम है करने में ना? तो जब अच्छे करोगे तो लोग खुद फॉलो कर लेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद स्ट्रैटेजी, यू नो। आज दुनिया ये कहती है, कॉर्पोरेट अमेरिका ये कहता है सीईओस को कि आप चाहते हो आपके नीचे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज हो, आप खुद इतने हार्ड वर्किंग हो जाओ कि नीचे वाले बोले यार मैं काम कम कर ही नहीं सकता, मेरा बॉस मुझसे 10 घंटे ज्यादा काम करता है, नीचे वाला खुद काम करेगा। बट ऐसी जगह आपको पता है बिजनेसेस, जहाँ बॉस ही काम पे नहीं आता, 1-1 बजे आ रहा है, 2-2 बजे आ रहा है, आ ही नहीं रहा, वहाँ पार्टी चल रही होती है, बैंकरप्सी हो जाती है, यस और नो, राइट? तो दुनिया का उसूल है कंजम्पशन प्रोडक्शन से ज्यादा होगी तो नेगेटिविटी आएगी, लॉसेस आएंगे, बैंकरप्सी आएगी, ठीक है? जन्नत दोजख में से दोजख मिलेगी आसान जुबान में, लेकिन गिव गिव और टेक में से गिविंग ज्यादा होगी तो खुश रहोगे, डिप्रेशन नहीं आएगा, पॉजिटिविटी होगी, पैसे भी ज्यादा बनेंगे, रिलेशंस भी होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे। तो चलो अपने आप को ग्रेट करो एजुकेशन में, ठीक है? अब मनी मैटर्स में आ जाओ, ठीक है? हो सकता है यू आर बॉर्न विद गोल्डन स्पून, आपको बहुत बैंक बैलेंस, जायदादें मिली हो, प्रॉपर्टी मिली हो, यू नो, हो सकता है कुछ नहीं मिला, ठीक है? बट फिर भी नहीं मिला तो भी बहुत सारों से घर के ऊपर छत मिली है तो वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, राइट? बहुत सारों के पास वो भी नहीं आज के जमाने में, ठीक है? बट कंपेयर करो आपने कितना दिया है अपनी फैमिली को, बच्चों को, यू नो, अपने पेरेंट्स को, और आपने कितना उनसे लिया है, और अपग्रेड करो अपने आपको, पेपर पे लिखो, देर इज नो सच थिंग एज अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो ना। दस मिनट बाद हमको पता चल जाएगा हम उनको ऊपर जाके कौन सा अपार्टमेंट या कॉन्डोमिनियम या कौन सा मेंशन मिलने वाला है, राइट? ठीक है।
सवाल मुश्किल है मगर इतना मुश्किल नहीं है। मे बी यू स्पेंड 10 मिनट्स विद क्लास के बाद आराम से बैठना, कॉफी लेके वीकेंड पे बैठना, पता चल जाएगा टेस्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है। हेल्थ, हमने खुदा ने कहा है, हम दुआ में पढ़ते हैं, खुदा ने बॉडी हमको अमानत दी है, अमानत में खयानत नहीं करना। बॉडी अच्छी दी है, बॉडी अच्छी, अब ऑब्वियसली इंसान जाएगा तो खत्म हो जाती है बॉडी, राइट? बट उसने आपको बहुत परफेक्ट सिचुएशन में पैदा किया था, राइट? अदर देन गॉड फॉरबिड इफ यू आर बोर्न विद रिटार्डेशन और बोर्न इनकम्प्लीट या कोई मिसिंग लिम्ब्स है, उसमें भी उसकी परफेक्शन है। बट लेट्स से उसने आपको पूरी तरह पैदा किया, अब आप जब जा रहे हो तो आपके वाइटल्स खराब हो रहे हैं, रेडिएटर खराब हो रहा है, टायर्स खराब हो रहे हैं, आपका सीट बेल्ट खराब हो रहा है, रिंकल्स आ रहे हैं। चलो वो तो एजिंग का इशू है, आपको उसमें कुछ लेना देना नहीं है, बट बहुत सारे मसले तो आपने खुद ने किए हैं ना, जलेबी पकौड़े खा खा के, राइट? बहुत सारी चीजें। नाउ इफ यू हैव डन ऑल दैट कंजम्पशन और आपने दौड़ लगाई नहीं है जिंदगी में, कभी भी भागे नहीं हो आप, सिवाय आपके पीछे कोई डॉग पड़ गया हो, तो फिर सारा का सारा मसला आपने खुद ने किया है ना अपने साथ, राइट? तो कंजम्पशन बहुत जबरदस्त रही है, निहारी पाए हलीम पाए, बट प्रोडक्शन में दौड़ नहीं लगाई है, तो बॉडी की केयर तो आपने नहीं की, जो आपने उसको दिया वो कंजम्पशन की कैपेसिटी से ज्यादा था, तो नाउ यू हैव फैट्स, यू हैव ओबेसिटी, यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, यू हैव डायबिटीज, राइट? तो उसमें कितना जस्टिस किया अपने आप को रेट करो। या तो यू बीन समबर्न जो के हमेशा से अच्छा बैलेंस डाइट, कम खाना, ग्रीन खाना, लेस कैलोरीज खाना, ये कार्ब्स के कॉन्सेप्ट तो 10-20 साल में आए ना जाके दुनिया में, राइट? और वेस्ट में 5-10 साल पहले आ गए थे, एशियन कंट्रीज में तो अभी भी नहीं है रेस्टोरेंट जाके, अब वहाँ क्या, यहाँ भी देख लो, राइट? बिकॉज मुझे पता चला सोशल वेलफेयर के बाद, में किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगा, फरीद सर वो आप लोग योगा का प्रोग्राम कराते हो सीनियर्स को, उसके बाद आके मेरे पास ये लोग निहारी पाए खा रहे होते हैं, एंड मैंने बोला जबरदस्त जा रहे हो बेहतरीन, तो उसने बोला आप लोग एक काम करो, जब भी स्ट्रांग वो कराओ ना, योगा का सेशन कराओ ना या उसका वर्कआउट का, तो बताना, बिकॉज मेरे पाए निहारी बहुत दिखते हैं, शुगरलैंड जमात करने के पास है वो रेस्टोरेंट, राइट? मेरे को सारी रिपोर्ट मिल जाती है। तो मैंने बोला यार ये बहुत अच्छा है, मैंने बैठ के मीटिंग में भी बोला था काउंसिल की, ठीक है तो ये बैलेंस लाइट है, राइट? उन्होंने कितना वर्कआउट्स किया अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, कितना डिटॉक्सिफाई किया और कितना टॉक्सिनेट किया है, उसको रेट कर लो। रिलीजन पर आ जाओ, हमें जो अशरफ रतानी ने बोला बहुत अच्छी बात बोली, लेट्स क्लैप फॉर हर, हमें कितना रिलीजियस, जो आज हम रिलीजन हमारे अंदर है, हमारे बड़ों की मेहरबानी है या टीचर्स की मेहरबानी है, राइट? हाँ, फिर हो सकता है हमने भी मेडिटेशन की बहुत कुछ पढ़ा, वो हमारी डेडिकेशन है, विच इज वेरी गुड, राइट? उस वजह से आज जो हम हैं, हम है, हमने वो रिवर्ट बैक कितना किया अपने ग्रैंड किड्स को, इर्द गिर्द के बच्चों को, REC में पढ़ाया, कभी हमने नेबर्स को पूछा, कभी हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द माशरे में लोग बच्चे जा रहे हैं JK, जा रहे नहीं जा रहे, कभी जमात खाने में कोई बंदा बैठा हुआ है, आई वॉज लुकिंग एट समबडी, अ सीनियर जो के मेंटोर कर रहा था यंग को बैठ के, आई थिंक उसकी शायद जॉब अब चली गई थी क्या, तो उसको बता रहा था, एंड ही वॉज, मैंने उनसे बात में बोला यार आप क्या काम कर रहे हो जबरदस्त, वी नीड सीनियर्स लाइक यू, आप वन ऑन वन बैठ गए उसके साथ, आप उसको काउंसिल कर रहे हो, बेटा कोई बात नहीं होता है पार्ट ऑफ लाइफ, तो गिव बैक कर रहा है ना किसी की, वो अपने घर पे शायद नहीं बोल रहा होगा लेकिन हो सकता है उसने थर्ड पर्सन को बींग स्माइली उसने बोल दिया आके, राइट? सो यू नीड दीज काइंड ऑफ पीपल अराउंड, राइट, टू टॉक टू। तो आपने कितना, इतनी होप दिलाई, अब आप देखो आज के बच्चे कंपेरेटिवली देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ किड्स अराउंड, बट पहले के बच्चे ज्यादा रिलीजियस ओरिएंटेड थे, बिकॉज देर वॉज अ कल्चर लाइक दैट, देर वॉज अ टाइम डेडिकेशन लाइक, आज लाइफ में लग्जरीज बहुत है ना, क्लासेस बहुत है, स्विमिंग क्लास, ये क्लास, वो क्लास, फलाना क्लास, दिमाग क्लास, तो लाइफ में चॉइसेस बहुत है, हमारे पास भी चॉइस बहुत है कि हम घर बैठ के अपना इंस्टाग्राम या टिकटॉक देखते रहें, या बोले नहीं यार चलो JK का टाइम हुआ है जमात खाना चलता है, देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। तो उस बेसिस पे हमने किसी का रिलीजियस ट्रस्ट गॉड पे कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया, ये भी तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। कल को समझो हम लोग नहीं है, बट किसी बच्चे को आपने खुदा पे भरोसा करना सिखा दिया, उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन हुए, आपको पता भी नहीं कि आपने कितनी बड़ी नेकी कर दी उसके साथ, राइट? कि कल को वो किसी मसले में फंस गया और गॉड फॉरबिड वो सुसाइड अटेम्प्ट करता या सब्सटेंस अब्यूज में जाता, जिस वजह से आप मेंटल हेल्थ देख रहे हो US में कितनी है, राइट? आपको हर जगह पे एक्शन बिहेवियर की फ्रेंचाइजेस नजर आ रही है, येस और नो? कभी उसको जाके देखो क्या है वो, ABA थेरेपी है, लोग मेंटल अब्यूजेस, सब्सटेंस अब्यूजेस, नशा करना, एडिक्शन करना क्यों शुरू कर दिए, वेप स्टोर्स, ये वो सब क्यों आ गया इतना,
बिकॉज उनका ट्रस्ट इन गॉड खत्म हो गया, उनका फेथ खत्म हो गया. उनको लगता है कि आज ये जो दुख है मेरे ऊपर, ये इस सब्सटेंस को लेने से खत्म हो जाएगा. क्या खत्म हो जाएगा? नहीं होगा. पीपल हु आर गेटिंग रिच, बट हो क्या रहा है, लोग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, राइट? शायद फेथ होता बहुत ज्यादा तो लोग उस रास्ते पे नहीं जाते. तो आप बींग अ सीनियर, अगर अपने बच्चों में या इर्द गिर्द के बच्चों में या यंगस्टर्स में फेथ बिल्ड कर दोगे ना, यार कोई मसला नहीं है, खुदा ने ही डाला है, खुदा ही रिमूव करेगा, तो हो सकता है बंदा सब्सटेंस ले ना. यस और नो? बिकॉज यहाँ पे हर चीज रेडीली अवेलेबल है. अच्छा, अब ऑक्सीजन पर आ जाओ. ट्रीज की हमने बात कर ली तो मैं रिपीट नहीं करूंगा. हमने ठीक है ऑक्सीजन ली है, हर जगह से ली है, दुनिया में जिस जिस मुल्क में रहे जिस जिस जगह ली ऑक्सीजन हमें दी है. आज दुनिया में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, ओजोन हो रही है, पोल्यूशन हो रही है. हमने कितने ट्रीज लगाए? बहुत सिंपल सोल्यूशन यही हो सकता है कि जितनी आपकी एज है ना, 70 है तो 70 ट्री लगाना है, और 17 है तो 17 ट्री लगाना है. ये तो हम लोग कर ही सकते हैं ना. और ट्री को इतने बड़े उठा के ट्रक में डाल के थोड़ी लाने, छोटे छोटे सीड्स डालने, कुछ जगहों पर जाके पानी डालना है, या ऐसी जगह डालना है जब बारिश आती हो, या अपने घर के पीछे पांच लगा दिए, किसी के घर के पास पांच लगा दिए, ठीक है. $1 का सीड आता है, उसमें 10 तो सीड आता है, 10 सीड हो गए, तो इतना बड़ा कॉस्ट नहीं है. कभी कभी हम बोले अरे बाप रे ये इतना बड़ा एस के कुछ भी नहीं है, $7 नहीं है हमारे पास के 70 सीड्स लेने के लिए. इट्स ऑल अबाउट टाइम, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट, इट्स ऑल अबाउट गिविंग बैक. तो लिख लो अपनी टू डू लिस्ट की, अगर खुदा ना खास्ता बुक बनाई है जिंदगी में कभी हमने, तो उसमें लिख लो कि जितनी एज है उतने ट्रीज लगाना है, ठीक है. तो ये एक हमारी ऑक्सीजन की तो गिव बैक हो गई. तो ऊपर जाएंगे तो कंप्यूटर खोलेगा तो बोलेगा बाकी सारे सवाल बाद में पूछना, पहले ऑक्सीजन वाला पूछ लो, ट्रीज लगा कर आया हूँ मैं, ठीक है ना. तो खुदा बोलेगा जबरदस्त मेरे बच्चे एक काम किया है, ठीक है. तो बोले किसने सिखाया? तो बोलना फरीद पिरमानी की एक छोटी सी क्लास होती थी, तो मेरे को भी थोड़ा बोनस वोनस मिल जाएगा. जब मैं पहुंचूंगा तो मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा 2-3 पॉइंट्स बोनस के मिल जाएंगे, ठीक है. वो कहते हैं ना इंश्योरेंस में कमीशन मिलता है, तो कमीशन के लिए याद रख देना, ठीक है. मेरा कोड दे देता हूँ आपको. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्लोथिंग, कपड़ों में क्या कर सकते हैं भाई? वो तो जिन्होंने कपड़े बनाए जानवरों ने, उनका क्या कर सकते हैं? ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट. परवीन लखानी, जिन अर्थ वर्म्स ने मुश्किल से काम किया, कपड़े बनाए, आज आप माशाल्लाह से चेक्स की शर्ट जगह से यूज करते हैं, उसके बाद उसका कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, और जब कुछ नहीं होता ना तो बोलते हैं अब हम डोनेट कर देंगे. वो डोनेशन किसी के काम का नहीं रहा. प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा था कि गिफ्ट वो दो जो तुम अपने लिए यूज करना पसंद करते हो. तो शायद डोनेशन का ये मतलब नहीं है कि कपड़े रिजेक्टेड हो गए, खत्म हो गए, कोई क्लास नहीं रहा, किसी के काम के नहीं रहे. हाँ, अब मैंने बहुत बड़ा दिल किया, वह तुमने ट्रैश दिया है, अपनी जगह खाली की है, किसको बेवकूफ बना रहे हो, राइट? डोनेशन सही मानों में वो है कि मेरे पास 4 शर्ट्स थी और हो सकता है मैं 2 पहनता था, और मैंने वो 2 निकाल के दिल बड़ा किया और किसी को दी कि चल यार ये कोई और पहन लेगा. दैट्स द ट्रू डोनेशन. वो डोनेशन नहीं है बिकॉज दूसरा डोनेशन ट्रैश क्लियरेंस है, बेसिकली हम ना गैराज खाली कर रहे हैं, राइट? और हम बोल रहे हैं ऊपर वाले को यार याद रखना मैंने चैरिटी दी है, ठीक है. तो देसी ऊपर वाले को समझाएगा कि बोनस क्या देना है. वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट कि हम जो दे रहे हैं वो किस सिचुएशन में जाके दे रहे हैं. दो लोग आए, एक फकीर आया जो खुदा के लिए रास्ते में था, काम करता था, और खुदा उसके लिए जो है ना रोज दाल चावल रोटी का इंतजाम करता था, और वो फकीर बहुत खुश होता था, बैठता था, इबादत करता था. एक दिन उस इलाके में पहाड़ पे एक बंदा आया, बहुत यंग था, और खुदा ने उसके लिए 50 मेन्यू की आइटम्स उतारी, निहारी, कबाब, बिरयानी, अल्फ्रेडो, जो भी चाहिए. और फकीर गुस्से हो गया खुदा को देख के, बोलता है मैं इतना बड़ा उम्र का तेरे पास बैठा हूँ 30 साल से, तू मेरे को दाल चावल खिलाता है, ठीक है मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट इसके लिए तूने 50 आइटम उतार दी, ये तो अनफेयर है. तो उसने बोला तू जो था ना छोटे से गांव में रहता था, मजदूर था और दाल चावल ही खाता था, और तू मेरे लिए छोड़ कर आया तो मैं तेरे को दाल चावल और अच्छी क्वालिटी का दिया, बासमती राइस के लाया तेरे को. वो बादशाह का बेटा था, वो पूरी सल्तनत छोड़ कर आया मेरे लिए, तो उसको मैं 50 डिश तो खिलाऊंगा ना. तो जब आप चैरिटी निकालोगे तो ध्यान रखना कि क्या निकाल रहे हो, दाल चावल निकाल रहे हो या, ठीक है. सो दैट्स द ट्रू चैरिटी, उसके लिए दिल चाहिए होता है, ताकि ऊपर वाले से जब एक्सपेक्ट भी करो तो वो भी बोले कि तुझे दाल चावल वापस दूं या
50 डिशेस वापस दो, ठीक है? सो दैट्स अ डिफरेंस इन चैरिटी. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी से चैरिटी, चैरिटी इज समटाइम्स आल्सो गिविंग थिंग्स दैट यू यूज, राइट? तभी तो वो किसी और के काम किए, राइट? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो एक बहुत अच्छा परवीन एंड शौकत भाई ने बोला क्लोथिंग, बट द अदर थिंग दैट वी कैन डू, रिमेम्बर लास्ट टाइम हमने एक बुक पढ़ी थी बींग थैंकफुल या हाउ टू स्पेंड मनी. जब पैसा खर्च करते हो, वेर एवर द मनी इज गोइंग, थैंक द मनी रादर देन मेकिंग फेसेस के यार मेरे पास से पैसे चले गए. मनी का शुक्रिया करो कि थैंक यू तो मेरे पास था, आई कुड अफोर्ड फूड फॉर माई फैमिली, आई कुड अफोर्ड गुड ब्रांडेड ड्रेसेस, आई कुड अफोर्ड शॉपिंग फॉर माई फैमिली, बच्चों के स्कूल्स भेज सका, ट्यूशन पढ़ा सका. ठीक है पैसा जा रहा है आपको अच्छा नहीं लग रहा, बट यू थैंक द मनी के थैंक यू तो मेरे पास था. मनी घूम के ज्यादा आएगा, यू नो दैट द सेम वे जिन प्लांट्स ने, जिन वर्म्स ने मेहनत की आपके लिए, अब दुआ तो निकालते हो ना अपने लिए, ऊपर वाले ये देना वो देना वो देना वो देना. एक दफा उन प्लांट्स के लिए दुआ कर लो यार, जिन्होंने मेरे लिए आसान की उसके लिए आसानी कर ले, बिकॉज दे आर द लिविंग बींग्स, राइट? हमें नहीं पता वो कहाँ है क्या है, लेकिन उसने हमारे लिए लाइफ आसानी की. आज हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज एटलीस्ट थैंक दैट क्रीचर, राइट? कि उसने हमारी जिंदगी में, तो हमें देखो पता चल रहा है नॉलेज से कि अब हमें दुआएं भी करनी है तो किन लोगों के लिए करनी है, क्योंकि तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमारी जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया जिसको हम जानते भी नहीं और जिसका हम शुक्रिया तक नहीं कर सकते, राइट? तो प्लांट्स, लिविंग बींग्स, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते, बट उन्होंने हमारी जिंदगी आसान की. क्यों? क्योंकि खुदा ने कुरान में कहा कि इंसान मेरा बेस्ट क्रिएशन है और उसके लिए मैंने दुनिया पैदा कर दी, राइट? तो बहुत सारी दुनिया जद्दोजहद करती है जस्ट बिकॉज इंसान की नीड पैदा हो सके. जस्ट लुक एट द चिकन्स एंड गोट्स, क्या होता है, बेचारे पैदा होते हैं, काट दिए जाते हैं, बुचर कर दिए जाते हैं. क्यों? इंसान खा सके, राइट? दिस इज द गिफ्ट बाय गॉड. लेकिन वो जिसको काटा जा रहा है वो तो तकलीफ से गुजर रहा है, येस और नो? सो शुड वी थैंक देम और नॉट, राइट? तो हमें पता नहीं है कि कौन कौन लोग सेक्रीफाइस करते हैं तब जाके हम जिंदगी गुजारते हैं. तो हमारा एज ए ह्यूमन वैसे ही कंजम्पशन रेट बहुत ज्यादा है. अगर हमने 100 मिलियन का हर चीज का प्राइस टैग लगा दो, खुदा बोले एक सांस जो है वो 2 डॉलर की है, तुमने कितनी ली जिंदगी में, या 2 सेंट्स की है, या 20 सेंट्स की है, या 3.99 का गैलन है, लगा दो ऑक्सीजन का सिलेंडर जितने की ली. तो अगर हम 100 मिलियन का कंजम्पशन कर रहे होंगे ना, तो सिर्फ 2 मिलियन का प्रोडक्शन कर रहे होंगे. हम हमेशा -98% रहेंगे ही रहेंगे, हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते. इसलिए हमें वो कहते हैं, हम कहते हैं उसको कि तू रहमान है, यू नो, तूने जितना दिया हम सोच भी नहीं सकते, हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास है क्या क्या. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो जब हम बिस्मिल्लाह रहमान में बोलते हैं कि खुदा तेरे नाम से शुरू करते हैं क्योंकि तू रहमान और रहीम है, तो हमें ये 98% आज याद आ जाएगा कि ओ मेरी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, अगर वो ये नहीं देता तो आज मैं वो नहीं होता जो मैं हूँ, यस और नो? तो आई थिंक आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. मे भी उसको शॉर्ट एंड स्वीट करके अपने यंगस्टर्स के साथ बैठोगे, बच्चों के साथ, तो दे वुड ऑल्सो लर्न अ लॉट. ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक, वी आर डन विद द टाइम, बट टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो लेट्स क्विकली गो ओवर इट क्योंकि टेम्पो ब्रेक हो जाएगा. एंड शेड्स एंड ट्रीज की बात हो गई, ब्यूटी अराउंड अस की बात हो गई. तो ब्यूटी आज है तो इसका मतलब है हमें ब्यूटी क्रिएट करनी चाहिए ताकि कल जो लोग हो उन्हें भी ट्रीज मिले, उन्हें भी फ्लावर्स मिले, उन्हें भी सीनरीज मिले, राइट? बिकॉज दुनिया में वैसे ही एग्रीकल्चर खत्म हो रहा है और प्रॉपर्टीज और कमर्शलाइजेशन हो रही है, राइट? तो थोड़ा बहुत हम दुनिया की एग्रीकल्चर में कॉन्ट्रीब्यूट कर ही सकते हैं. ह्यूमंस अराउंड अस, लोगों से अच्छे से बात करना, ख्याल करना, कोई परेशानी में पूछ लेना, बिकॉज हो सकता है हमें किसी और ने पूछा हो, आज वो नहीं है दुनिया में, लेकिन हम किसी और को पूछ लें जो मुश्किल में, राइट? जस्ट बिकॉज किसी ने हमें कल मदद की थी, आज हम उसकी मदद कर दें. दुनिया में सब चीज़ें हमें आज समझ आ गया, टाइम एंड नॉलेज के इर्द गिर्द घूम रही है, चाहे वो 10 ईयर ओल्ड किड है, चाहे 90 ईयर ओल्ड सीनियर है, वो भी नॉलेज दे सकता है और बच्चा भी नॉलेज दे सकता है, ठीक है? तो आज जब इमाम ऑफ द टाइम बोलता है कि तुम्हें खिदमत चाहिए, तुम्हें कोई लेटर की जरूरत नहीं है, तुम्हें दो मैंने वेपन्स दिए हैं, टाइम दिया है और नॉलेज दिया है, जाओ जाके खुल के इस्तेमाल करो. तो सोचना कि आपके पास ये वेपन्स कितने बड़े हैं. आप बोलोगे यार मुझे तो कोई अपॉइंटमेंट मिलेगी, कोई इंस्टीट्यूशन लेटर देगा, सबको लेटर मिल गया, ठीक है?
सबको अनलिमिटेड सप्लाई मिल गई है, इट्स हाउ अबाउट यू यूज इट और नॉट। यूज नहीं करो तो फारिक बेटर हो, कोई मसला ही नहीं है। यूज करना चाहो तो 60 की एज है, 70 की एज है, रिटायर्ड हो, सेमी रिटायर्ड हो, इनकम का मसला नहीं है, तो अगले 30 साल भाई यूज करो ना, टाइम एंड नॉलेज से। क्यों लाइफ को विदाउट पर्पज बना रहे हो? राइट, यू आर कमिंग हियर माशाल्लाह, यू आर डेडिकेटेड, मोटिवेशन ले रहे हो, हील ठोकने के लिए हैमर ले लिया है, बट नेल भी तो लो, हाथ पे मारोगे तो लगेगा ना हैमर, तो कोई ना कोई नेल पकड़ लो जिसमें टाइम और नॉलेज बिल्ट हो। किसी को एनिमल्स अच्छे लगते हैं, एनिमल को बचाओ। बिल गेट्स को मलेरिया अच्छा लगता है, वो अफ्रीका से मलेरिया हटा रहे हैं। वॉरेन बुफेट को ये अच्छा लगता है, वो ये कर रहा है। ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है करो, मगर कुछ तो करो। ठीक है, सो आई थिंक वी आर गुड विद इट। वाटर साफ रखो, सनलाइट लेते रहो, टेम्परेचर, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम देखते हैं रोज दुनिया में नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, हम दुआ कर सकते हैं लोगों के लिए। बहुत जगह इंसान हेल्पलेस है, लेकिन दुआ में बहुत ताकत है। हम लोगों को प्रेरित दे सकते हैं, जो लोग मुश्किल में हम नहीं भी जानते हैं, और स्माइलीज नहीं भी है, राइट? यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, रशिया में लोग मर रहे हैं, अफगानिस्तान में लोग मर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, बिकॉज हमारी लाइफ कंफर्ट जोन में, तो इसलिए हमें फर्क भी नहीं पड़ता दुनिया के साथ क्या हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ डे द लीस्ट वी कुड डू इज प्रे फॉर देम, राइट? सो विद दिस वी विल क्लोज, एंड आई थिंक द गुड थिंग वी लर्न वॉज कि हमारी कंजम्पशन से ज्यादा हमारी प्रोडक्शन होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब हम दिमाग में एम बनाएंगे कि हमें प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, वरना हम जैसे जी रहे हैं वैसे जिएंगे और ऊपर जाके पकड़ हो जाएगी हमारी, राइट? कि बैलेंस नेगेटिव आ रहा है।